मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि बाप बहुरूपी है, जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के, कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं। तो यह भी बगीचा है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं और फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं कि यह है पतित कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा और उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है कि अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम ये पुराना शरीर छोड़ जब दूसरा जा कर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है, कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज, कुल की मर्यादा, फर्क है ना। तो वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है उसमें ही दैवी संप्रदाय की स्थापना जब हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है योग बल से, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े, उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म हो जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, तो सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है, अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी ये है ऊंच ते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंच ते ऊंच पढ़ाने वाला है, बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच ते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं कि तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो, अपवित्र वहाँ जा न सके। नीचे हैं तब तो ऊंच,
देवताओं के आगे उनकी महिमा गाते हैं, मंदिरों में जाकर उनकी ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने, उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। तो हैं तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों के जैसे बने। ये कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है कि कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को भुलाते हैं कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको पाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं, बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानुवाच है ना, वो लोग भर श्लोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो, कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो कि ये है पतित दुनिया नर्क, सत्युग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है परंतु किसी की भी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सदगति होती है सेकंड में। और फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुहे बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबर वार सुनाएंगे ना, पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे। यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आधी मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं कि यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं हैं। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने श्रूड समझदार होशियार नहीं हैं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है, कहाँ भी जन्म ले फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है ना, तो आत्मा संस्कार ले जाती है ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्य तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं।
तो संगम पर ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य और फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं, यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं उनका पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है। जिस समय जिसको जो पाठ होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं कि हमारे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं कि ये कौन है, बोलो। देखो लिखा हुआ है भगवान उवाच कि मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वह श्री कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं कि हम ये बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग और पालना का नाम रूप देश काल अलग है। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज हैं। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं फिर ये बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं, 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, तो मछली ऐसे नीचे आती है और फिर ऊपर चढ़ती है। वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी कछुए आदि के भी जो भी मिसाल दिए जाते हैं वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अक्ल है। मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितनी बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है और रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। वह है दुबन माना दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ और मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो फिर उनसे छांट कर निकलेंगे, यह भी नई बात नहीं है। कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता,
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। बाबा ने आज वरदान दिया, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, ये विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन है सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।